वॉल्यूम ठीक है ना मेरा? यस ब्रो। ओके विल स्टार्ट। ज्ञानत मिरंदस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कुछ प्रश्न पूछे थे कृष्ण से और उनके भगवान उत्तर देने लगे। और वो प्रश्न अर्जुन ने पूछा कि किस तरह एक स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति पूर्ण रूप से समाधि में है, जो जिसमें आत्मक साक्षात्कार के सारे लक्षण दिखते हैं, जो भक्ति योग में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से स्टैब्लिश्ड स्थित है, उसके जनरल सिम्टम्स क्या हैं, उसके हाव भाव क्या हैं, वो बोलता कैसे है, वो बैठता कैसे है और वो चलता कैसे है। तो हमने उसके जनरल सिम्टम्स देख लिए जो 2.55 में श्लोक में थे, 55वें श्लोक में थे। वो बात कैसे करता है वो 56 और 57 श्लोक में देखा। फिर वो बैठता कैसे है वो मैं देखा 58 59 में। हाँ, अब आज हम करने वाले हैं कि वो चलता कैसे है। तो ये है 64 से 71 तक, जिसमें ये चैप्टर फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा। उसके जनरल सिम्टम्स क्या हैं, वो चलता कैसे है। तो अभी इसमें चलता कैसे है का सिंपल जो अंडरस्टैंडिंग है कि वो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को, हाँ, अपने सेंसेस को किस तरह एंगेज करता है, ये चलने का मतलब है यहाँ पे। किस तरह वो व्यक्ति चलता है, एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, एक भगवान का शुद्ध भक्त जो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक चेतना में फिक्स्ड है, वो किस तरह चलता है, मतलब अपनी सेंसेस को कैसे एंगेज करता है। हाँ, तो वो कैसे करता है, उसका उत्तर जो शॉर्ट फॉर्म में सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि वो रेगुलेशन से अपने पे नियम लागू करता है और धार्मिक प्रिंसिपल्स के बेसिस पे वो अपनी इंद्रियों को एंगेज करता है। हाँ, तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, जो सेल्फ रियलाइज सोल है, वो किसी भी प्रकार की अटैचमेंट, किसी भी प्रकार की आसक्ति और द्वेष से परे है। और वो अपनी इंद्रियों को जो शास्त्रों में नियम दे रखे हैं उसके हिसाब से कंट्रोल करके रखता है और उसके कारण उसको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो ये तीन पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट इसमें। एक तो कि वो अटैचमेंट, किसी भी प्रकार की अटैचमेंट और किसी भी प्रकार के एवर्जन से, किसी भी प्रकार की नफरत से दूर रहता है अपने आप को, किसी से नफरत नहीं करता और किसी से बहुत ज्यादा अटैच भी नहीं होता। दूसरा, वो अपनी इंद्रियों को, अपने सेंसेस को शास्त्र के हिसाब से, जो शास्त्रों में नियम दे रखे हैं उसके हिसाब से कंट्रोल करता है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करने बैठ जाता। तो इन दो क्वालिटीज के कारण क्या होता है, उसको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो अभी हम 64 नंबर श्लोक करेंगे।
आगे के श्लोक में हम देखेंगे कि फिर क्या होता है जब उसको भगवान की कृपा मिलती है। तो राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवशैर् विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। 3 पॉइंट्स, राग और द्वेष से दूर रहता है, अटैचमेंट और एवर्जन से दूर रहता है, और अपनी इंद्रियों को संयम में रखता है जिससे उसको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ये बेसिकली इस श्लोक का जो मूल तात्पर्य है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें परपोर्ट में प्रभुपाद बोलते हैं कि कोई आर्टिफिशियली अपनी सेंसेस को कंट्रोल तो कर सकता है, बट जब तक उसकी सेंसेस भगवान की सेवा में एंगेज नहीं है, जब तक उसकी इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में एंगेज नहीं है, वो उसका आर्टिफिशियली जो कंट्रोल करना है सेंसेस को, वो फेल हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग अपने आप को त्याग का बहुत बड़ा प्रतिबिंब बताते हैं, बट क्योंकि वो भगवान की सेवा में एंगेज नहीं है तो उनका जो जो सो कॉल्ड त्याग होता है वो बहुत जल्दी पब्लिक के सामने आ जाता है। और अगर वो उनका पतन नहीं भी होता, अगर उनका फॉलो नहीं भी होता, तब भी वो जो त्याग है उनका, वो उनको हाईएस्ट डेस्टिनेशन नहीं दिला सकता। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक जो भगवान का भक्त है उसकी केवल और केवल एक सिंगल एजेंडा रहना चाहिए, और वो क्या है, मैं ये सब भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। कई बार हम देखते हैं भक्त लोग भी कठोर कठोर तपस्या व्रत रखते हैं, कई प्रकार के व्रत रखते हैं, और उस व्रत में जो उनका मेन उद्देश्य क्या होता है व्रत रखने का, उनका उद्देश्य होता है कि देखो दुनिया को पता चले मैं कितना महान भक्त हूँ। उनका कईयों का मेन उद्देश्य होता है कि अब मैं, कार्तिक का महीना है, एकादशी है, मैं निर्जल रखूंगा, कुछ नहीं खाऊंगा। क्यों? अच्छे एटलीस्ट 15 दिन में एक डिटॉक्स तो हो जाएगा, शरीर में थोड़ा क्लीनिंग हो जाएगा। फिर कोई व्यक्ति रखता है व्रत कि मेरे को इसलिए व्रत रखना है ताकि ताकि मैं अपनी सेंसेस पे कंट्रोल कर लूं। हाँ, बहुत सारे अलग अलग कारण रहते हैं, बट मेन जो रीजन है हम भूल जाते हैं किसी भी प्रकार के नियमों का पालन करना, तपस्या तो करने का, कि हम ये एक्चुअली इसलिए कर रहे हैं ताकि हम भगवान को प्रसन्न कर सकें और भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए व्रत रख रहे हैं, वजन घटाने या अपने सेंसेस को कंट्रोल करने नहीं। हाँ, हम अपने सेंसेस को भी इसलिए कंट्रोल करना चाहते हैं क्योंकि वो भगवान को प्लेजर देती है। तो ये मेन प्रिंसिपल हमेशा माइंड में बहुत क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि अगर भगवान इच्छा करे, भगवान चाहे, तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि एक आम भक्त भी बहुत कुछ बड़ी बातें कर सकता है, बहुत बड़े बड़े गोल्स अचीव कर सकता है, और अगर भगवान ना चाहे, हाँ, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो इसीलिए इसीलिए हमारे को जो भी एक्शंस लेने हैं वो भगवान के प्लेजर के लिए लें ताकि हम भगवान की जो कृपा है उसको अट्रैक्ट कर सकें। हाँ? अगला श्लोक, प्रसाद सर्व दुखा नाम अनिर्स्योपाजते अनिर अस्योपजायते प्रसन्न चेत सो ही अशु बुद्धि पर्यावित उत्तिष्ठते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसे ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। अब किसी का अगर ये जो कंप्लीट सेटिस्फेक्शन अगर किसी को चाहिए, मिल जाती है,
तो उसकी जो थ्री फोल्ड मिजरी है, जो तीन ताप हैं प्रकृति के, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक क्लेश, शरीर से मन से आने वाले दुख, प्रकृति द्वारा आने वाले दुख जो देवताओं देते हैं, और दूसरे लोगों द्वारा आने वाले जो दुख हैं, उससे उसको शांति मिलती है। उसकी जो बुद्धि है वो बहुत जल्दी एस्टैब्लिश होती है। अगला श्लोक, अगला श्लोक बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगला श्लोक है कि अगर ये व्यक्ति को शांति नहीं मिली तो, हाँ, अगर ये व्यक्ति संतुष्ट नहीं हुआ तो क्या? नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य नाचु युक्तस्य भावना नाच भावेता शांतिर अशांतस्य तथा सुखम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, बड़ा बहुत बारी कोट किया जाता है, स्पेशली इसकी लास्ट लाइन, अशांतस्य कुतः सुखम्। जो कृष्ण भावना में इतने परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति का कोई संभावना ही नहीं है। अब पिछले श्लोक में है, लिखा है कि जो व्यक्ति पूरी तरह सेटिस्फाइड है, हाँ, अपने भक्ति में सेटिस्फाइड है, उसको तीनों ताप का भी कोई असर नहीं होता, और ऐसे में उसकी जो बुद्धि है वो वेल एस्टैब्लिश्ड रहती है, अवतिष्ठते। बट अगर कोई भगवान से कनेक्टेड नहीं है, तो पहली बात तो उसको जो उसकी बुद्धि है वो ट्रांसेंडेंट दिव्य बुद्धि नहीं होगी। अब बुद्धि दिव्य नहीं होगी तो उसका मन भी दिव्य, मन भी उसका स्टडी नहीं होगा, मन, क्योंकि मन का तो स्वभाव है बहुत चंचल, भागते रहना। अब ये नहीं होगा अगर मन किसी का स्टेबल नहीं है, अगर किसी का मन जो है उसमें स्थिरता नहीं है, तो हम सब जानते हैं जब हमारा मन बड़ा अस्थिर होता है तो शांति बिल्कुल नहीं होती, बहुत अशांति फील होती है घर मन के अंदर, हाँ, और सारी दुनिया ऐसे लगती है कि अभी किसी काम की नहीं रही, ना परिवार लगता है मुझे सुख दे सकता है, ना दुनिया देख सकता है सुख दे सकती है, दोस्त ये वो नौकरी सब बिल्कुल डिस्टर्ब फील होता है एक व्यक्ति का, मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाता है जब व्यक्ति, हाँ, मेंटली डिस्टर्ब व्यक्ति का जो लक्षण रहता है कि उसको शांति नहीं रहती, जो है उसके पास वो कम लगता है, जो उसके पास नहीं है उसकी बहुत ज्यादा उसको नीड फील होती है, और बहुत ओवरली डिस्टर्ब रहता है व्यक्ति। क्यों? क्योंकि उसकी जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस जो है, वो स्पिरिचुअलाइज नहीं हुई, उसकी इंटेलिजेंस स्पिरिचुअलाइज नहीं हुई और मन उसका स्थिर नहीं है, जो उसके पास है उसमें तो वो संतुष्ट बिल्कुल ही नहीं है। हाँ? तो मन स्थिर नहीं है, बुद्धि स्पिरिचुअलाइज नहीं है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उस व्यक्ति को शांति नहीं मिलेगी। अब लास्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी श्लोक की, शांति के बिना तो सुख भी कैसे हो सकता है, शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। अब जो व्यक्ति अपने जीवन में शांत नहीं है, जिसको पीस नहीं है अपने जीवन में, मन में, उसको सुख उसके लिए बहुत एलियन है, उसके लिए सुख बड़ी दूर की बात है। बट हमारे को टारगेट शांति के लिए नहीं करना कि हमें पीस मिल जाए ताकि सुखी हो जाए, हमारे को टारगेट करना है दिव्य बुद्धि और स्थिर मन के लिए। दिव्य बुद्धि होगी भगवान की सेवा में लग के, भगवान का नाम जप करके, भगवान के बारे में चिंतन करके, सुन के, पढ़ के, और उससे मन होगा स्थिर। जब ये दोनों अपनी जगह पे आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली व्यक्ति पीसफुल महसूस करेगा, और जैसे ही वो पीसफुल महसूस करेगा मन के अंदर पीसफुल महसूस करते ही वो व्यक्ति को सुख की अनुभूति होगी। तो बहुत सारे लोग जब ऐसा कुछ श्लोक पढ़ते हैं तो उनको लगता है अशांत कुतः सुखम, हाँ, अच्छा, अब जब शांति नहीं है तो सुख नहीं मिलेगा, इतना तो सबको समझता है, तो सारे टारगेट का क्या करते हैं, हमें किस तरह पीस मिल जाए, किसी तरह शांति मिल जाए। तो होता क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है, हर व्यक्ति का मंदिर आने का लक्ष्य, हर व्यक्ति के आध्यात्मिक कार्य करने का लक्ष्य एक हो जाता है, क्या? हमें शांति चाहिए, भजन में बैठेंगे शांति चाहिए, मंदिर जाना है शांति के लिए, हर चीज शांति के लिए। वो ये भूल जाते हैं कि ये शांति एक बाय प्रोडक्ट है,
मेन प्रोडक्ट शांति मिलना नहीं है, मेन प्रोडक्ट पीसफुल रहना नहीं है, मेन प्रोडक्ट है, मेन जो आइटम है हमारे को अचीव करनी है वो है दिव्य बुद्धि, स्पिरिचुअलाइज्ड इंटेलिजेंस। रिमेम्बर, ये बुद्धि योग का टॉपिक चल रहा है पूरा सेक्शन, स्पिरिचुअलाइज्ड इंटेलिजेंस चाहिए हमारे को, जिससे हमारा मन कंट्रोल में रहेगा, फिर उसके बाद शांति का कुछ स्कोप है। प्रभुपाद पहली लाइन में ही बहुत क्लियर लिख देते हैं, तात्पर्य की, जब तक कोई कृष्णा भावना भावित नहीं है भूल जाओ, शांति का तो ऑप्शन ही नहीं है। जब तक कोई कृष्णा कॉन्शियस नहीं है तब तक तो शांति की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। और यही भगवद्गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान कंफर्म करते हैं, जिस श्लोक को बोला जाता है कि ये पीस फॉर्मूला है, ये शांति का फॉर्मूला है। इस श्लोक के अंदर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं उसके अंदर। पहला क्या है उस श्लोक में बोल देता हूँ, वो क्या श्लोक था, शुरू कैसे होता है, अरे बड़ा कॉमन श्लोक तो, शांति नादिर भक्ति समूह हाँ? नो कैसे शुरू शुरू कैसे होता है श्लोक, दिमाग हुआ अभी था मेरे, उड़ गया दिमाग से। भोक्ता राम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भोक्ता राम यज्ञ तपसम, जितने भी हमारी तपस्याएं हैं, जितने भी हमारा हार्ड एंडेवर्स हैं, उसके एक्चुअल एंजॉयर कौन है, भगवान है। हमारे हर तपस्या के एंजॉयर जो है वो भगवान है, एकमात्र भोक्ता है। सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों के कंट्रोलर एक्चुअली भगवान है। सुहृदम सर्वभूतानाम, हर जीवात्मा के सुहृद वेलविशर है भगवान। ज्ञात्वा माम, सिर्फ ये 3 चीजें अगर किसी ने जान ली, सिर्फ ये 3 चीजें, ये 3 चीजें ज्ञात्वा माम, सिर्फ ये 3 चीजें अगर जान ली, क्या 3 चीजें, मेरे जितने भी एंडेवर्स हैं, जितने भी मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ, उसका एक्चुअल एंजॉयर भगवान है, और मुझे सिर्फ उसका प्रसाद खाना है, मेरे जॉब का, मेरे परिवार का, मेरी मेहनत का, जो भी है। सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों के महेश्वर कंट्रोलर भगवान है। हम अपने को कंट्रोलर महेश्वर ना बताएं और किसी छोटे देव देवता को भी कंट्रोलर ना बताएं। सुहृदम सर्वभूतानाम, वो हर किसी के वेलविशर हैं, वो सबके शुभ चिंतक हैं। अब ये 3 जानने के बाद भगवान बोलते हैं ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, ये जानने के बाद पीस शांति तुम्हारे लिए फ्री में अवेलेबल है, कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी उसके बाद। तो ये बहुत अमेजिंग गोल जो है ये अचीव करना है हमारे को। तो अभी प्रभुपाद तात्पर्य में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बोल रहे हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस के बिना जो मन है उसके लिए कोई फाइनल गोल नहीं होगा, और डिस्टरबेंस हमेशा क्यों रहती है, डिस्टरबेंस रहती है फाइनल गोल के लिए हमेशा। इंटरेस्टिंग पॉइंट है एक्चुअली, ये अगली लाइन में लिखा तात्पर्य में, यदि कोई कृष्णा भावना हो, ये लिखो अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। We all need goals in life. और अगर कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है, कोई स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं कर रहा, तो उसको अल्टीमेट हाईएस्ट गोल तो कभी पता ही नहीं चलेगा, वो हमेशा भागता ही रहेगा। उसको लगता है अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक हो गई, लाइफ सेट है, एक सेट हो, एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेते ही वो देखिए अरे मेरे दोस्त के तो 3 है, तो वो अल्टीमेट गोल नहीं था, तो ही गो फॉर अनदर वन। फिर किसी और के पास ज्यादा होगी, किसी के बैंक बैलेंस ज्यादा होगा, किसी की गाड़ी बेटर होगी, किसी के बच्चे अच्छे स्कूल में होंगे, किसी का कुछ, किसी का कुछ, उसका गोल कभी खत्म ही नहीं होगा। तो अल्टीमेट गोल अगर किसी को ये पता ही नहीं है कि कृष्ण का भावना में भगवान का भक्त बनना, अल्टीमेट फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचना,
ये अल्टीमेट गोल है, तो जब तक एक व्यक्ति के जीवन में वो अल्टीमेट गोल नहीं आता, तब तक उसको एक लैक हमेशा फील होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है प्रभुपाद का। ये अगली लाइन देखो, तो जब मनुष्य को यह पता चलता है कि कृष्ण ही भोगता है, कृष्ण ही एक्चुअली एंजॉयर है, स्वामी तथा सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध ना रखकर कार्यों में लगा रहता है, वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा, भले ही वे जीवन में शांति या आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों ना करे। कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाले शांतिमय अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध में ही हो सकती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक्चुअली में पूरे पर्पोट के अंदर। अगला श्लोक, तो हमने इस श्लोक में देखा कि अगर किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं है तो क्या होता है। अब अगले श्लोक में देखते हैं कि अगर किसी की इंद्रियां नियंत्रित नहीं है तो क्या होता है। इंद्रियाणां विचरतां यन मनोनुविद्यते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनावम इमांभसि। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचारणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। ये हम सब के साथ होता है। जिस तरह कोई बोट अगर पानी के ऊपर है तो तेज हवा आती है तो उस बोट को उसकी डायरेक्शन चेंज करने लगती है, उसको बहा के लेके चली जाती है। उसी तरह एक भी इंद्री, एक भी सेंस, एक भी हमारी सेंसेस अगर इधर उधर भटक रही है और मन उस पर फोकस करने लगे तो हमारी बुद्धि को हर के ले जाती है। हम पूरी तरह कंट्रोल है। हाँ, अच्छे से हम बस मार्केट में जा रहे थे और वहां पे कुछ दिख गया, दैट्स इट। उतना ही इनफ है माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए और हमारे पूरे के पूरा हमारे को एजिटेट करने के लिए। इसीलिए तात्पर्य प्रभुपाद बोल रहे हैं, इसलिए जब तक सारी सेंसेस भगवान की सेवा में एंगेज नहीं होगी, जब तक सारी सेंसेस हम भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, तब तक ये स्थिर मन बुद्धि का, पीसफुल माइंड का और सुख की अनुभूति का गोल अचीव नहीं होगा। एक भी सेंस किसी की, अजामिल की कथा हम सुनते हैं। अजामिल अपना अपने पिता के साथ, पिता की आज्ञा मान के, हाँ, अजामिल अपने पिता की आज्ञा मान के जंगल में गया था। अब वो जंगल में गया तो अपना सारा काम कर रहा था, वो ठीक ठाक, उसको कोई वो इतना इशू नहीं था। बट उसकी एक सेंस आईज, उस एक इंद्री ने वो शूद्र को उस प्रोस्टिट्यूट के साथ देखा और उसने उस सेंस को भटकने दिया, ऑब्जर्व करने दिया, देखने दिया, और फिर वो उसको देखता रहा और उसके बाद उसका चिंतन करने लगा। और माइंड ने उस आईज, जो उसकी सेंस, जो उस प्रोस्टिट्यूट को वो देख रहा था, माइंड ने उस पर फोकस करना शुरू करा। अजामिल की बुद्धि हर गई, उसने अपनी बीवी को घर से निकाल दिया, माँ को घर से निकाल दिया। वो एक सेंस उसकी, सारे काम ठीक कर रहा था वो, हाँ, अपने पिता की आज्ञा मान रहा था, सब मान रहा था, क्योंकि उसने उस इंद्रिय को भटकने दिया। तो हम सारे इसके एक्चुअली विक्टिम्स हैं। हाँ, हम सब पे ये अत्याचार रहता है, होता है। कई बारी एक भक्त मुझे बता रहे थे, वो सिटी से गुजर रहे थे, तो वहां पे वो एक सबवे के आगे से निकले और वहां सबवे वाले क्या करते हैं, बहुत सिस्टमेटिकली उनका एग्जॉस्ट फैन रहता है, जिससे अंदर की जो बर्गर वगैरह की स्मेल है वो बाहर आती है। तो बोले, तो मैं तो नॉर्मल चल के जा रहा था और जैसे इस सबवे के आगे से निकला, वो उसकी जो स्मेल एकदम आई, तो वो सबवे की जो स्मेल आई तो मैं इतना डिस्टर्ब हो गया एकदम। डिस्टर्ब क्यों हो तुम?
बोला मैं पहले जब सब्बे खाता था, ये बर्गर वो बर्गर, ये नॉन वेज का, चिकन का, मटन का, जो भी मैं खाता था बर्गर, वो सारे मेरे दिमाग में आके इतना डिस्टर्ब करने लगे कि मैं अभी वेजिटेरियन हूँ, मुझे खाना है, मुझे खाना है, मुझे किसी तरह खाना है। तो उस भक्त को जाके दूसरे भक्त वाले किसी रेस्टोरेंट में बर्गर खिलाया, डिस्टर्ब हो गया बहुत ज्यादा वो व्यक्ति। सिर्फ एक सेंस भटक गई, एक इंद्री ने, एक सेंस ने इसको कैच कर लिया। तो हम सब के साथ कुछ ना कुछ रहता है, कभी आंख कुछ देख लेती है, कभी आंखों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली में, आंखों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यूट्यूब पे आप जाते हो लेक्चर सुनने, साइड में टैब्स रहते हैं, उसमें एक वीडियो आती है, फिर उस पर क्लिक करते हो, सुनने गए थे आप लेक्चर, 15 मिनट बाद आप भटकना शुरू हो गए, भटकना शुरू हो गए, 3 घंटे के बाद आए और पूरी तरह से नहा धो के आए कचरे से, अच्छे से, ये वीडियो वो वीडियो, सारा गंद जो भी था सब अच्छे से देख के 2-3 घंटे बाद आए, और फिर अफसोस होने लगता है, अरे मैंने ये क्यों किया, क्यों? क्योंकि एक इंद्री, एक सेंस भटक गई और मन ने उस पर फोकस कर लिया और इंटेलिजेंस को हर लिया, वो चली गई, बस वो पूरी तरह चली गई। तो इसलिए एक डिवोटी अपने आप को बहुत केयरफुली ट्रेन करता है, और हम सब इसके विक्टिम है। मैं आप किसी और की बात क्या करूं, मैं अपनी भी बात करूं, हम सब इसके विक्टिम है। कोई ना कोई सेंस हमारी हमारे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इनफ रहती है। सुनने का कितने सारे डिवोटीज हैं जिनको बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक सुनने की आदत थी, किसी को रॉक रॉक म्यूजिक सुनने की आदत थी, कुछ थी, तो उनको जब कोई ऐसा सेंसेशन सुनते हैं, वापस से कुछ सुनते हैं धुन, या कोई बॉलीवुड का सॉन्ग था, तो वो गुनगुनाना, वो उनको वो बहुत नेचुरल ऐसा लगता है, क्यों मिस मिस कर रहा हूँ, मुझे भी सुनना है, मुझे भी सुनना है। एनी एनी वन सेंस कैन बी डिस्ट्रैक्टिव, बट आईज जो है आंखों का सबसे बड़ा फेयर, सबसे ज्यादा इजीली हमारी डिटर्मिनेशन तोड़ने के लिए आंखें हैं, बहुत ही ज्यादा विचलित करती हैं। बिल्व मंगल ठाकुर का स्टोरी बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बिल्व मंगल ठाकुर बहुत बड़े जमींदार के लड़के थे, वो हर रोज चिंतामणि नाम की प्रोस्टिट्यूट के पास जाते थे और बहुत ज्यादा अटैच थे उससे। एक दिन उनके पिता का देहांत हुआ और बहुत तूफान आ रहा था उनके गांव में, तो सबने बोला कि तुम अपने पिता का संस्कार वगैरह करना है, बोले नहीं मुझे चिंतामणि के पास जाना है, मुझे उस प्रोस्टिट्यूट के पास जाना है। तो उस दिन इतना तूफान था, सबने मना किया, तुम कैसे जाओगे, इतना तूफान है, बोला नहीं मैं जाऊंगा, कैसे भी जाऊंगा। तो जब वो नदी के पास गया, क्योंकि नदी पार करके उसको जाना होता था, तो जहाँ पे जो बोटमैन था, जो नाव चलाने वाला था, उसने मना कर दिया, आज नहीं बोट चलेगी, इतना तूफान है, मरना है, हमने नदी में डूब जाएंगे। तो वो नदी में तैर के जाने लगा, वहां पे उसने देखा कि एक लक्कड़ का बहुत बड़ा पीस फ्लोट कर रहा है, तो मैं उसको पकड़ के तैर के जाता हूँ। तो वो उसके सहारे से तैर के गया, जब वो नदी के उस पार पहुंचा तो उसने ध्यान से देखा, अरे तो लक्कड़ नहीं है, तो किसी की डेड बॉडी है। उसने ध्यान भी नहीं दिया पूरे समय तैरते हुए, इतना फोकस था वो चिंतामणि के ऊपर, उठने उस प्रोस्टिट्यूट के ऊपर जिसके पास वो जा रहा था। तो वहां गया तो प्रोस्टिट्यूट जो थी चिंतामणि, उसको खबर मिल चुकी थी इसका पिता मरा है आज, और इतना तूफान भी है, तो आज ये आएगा नहीं, उसने सब दरवाजे बंद करके रख दिए कि आज ये आने नहीं वाला। तो ये नॉक कर रहा है, कोई खोल ले रहा, तो ये देखा इसने कि वहां से एक रस्सी लटक रही है, तो ये रस्सी पे चढ़ा, रस्सी का इस्तेमाल करके फर्स्ट फ्लोर पे खिड़की से कूद के अंदर गया। तो सारे हैरान हो गए कि ये तुम कैसे आ गए अंदर, बोले मैं रस्सी से टांग के आया हूँ, चढ़ के आया हूँ। तो चिंतामणि ने अपने दासी को बोला कि जाके देखो जरा कौन सी रस्सी टंगी है, ऐसे कैसे ऊपर चढ़ गया। तो उसकी दासी ने देखा तो वो चीखने लगी, कह रहे ये तो सांप है, ये तो सांप पे टंग के आया है। तो ये फोकस उसका, बिरल मंगल ठाकुर का, उस चिंतामणि पे था। तो जब चिंतामणि ने देखा कि अपने पिता की मृत्यु के बाद भी उसका संस्कार ना करके मेरे पास आया है और इतने बुरे हाल में है, तब तो चिंतामणि उसको बोलती है कि जितना तू तो मुझसे अटैच्ड है, जितना तू तो पागल है मेरे लिए, इतना ही पागलपन, ज्यादा नहीं, इतना ही पागलपन तू तो अगर भगवान के लिए दिखा देगा, तो तेरे को इस जीवन में ही भगवान फेस टू फेस दिखेंगे। तो जब अजामिल चिंतामणि से ये लाइन सुनता है, अजामिल कह रहा हूँ, बिल्लू मंगल ठाकुर चिंतामणि से ये लाइन सुनता है, तो उसको बहुत मन में इंसल्ट फील होती है, बट बहुत चेंज ऑफ हार्ट एकदम एक्सपीरियंस होता है, ये क्या बोल रही है। तो बिल्लू मंगल ठाकुर वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं गुरु की तलाश में, फिर गुरु से शरण लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, बहुत अच्छे भक्ति करते हैं। तो एक दिन बहुत सालों के बाद वो, उन्होंने कई कविताएं भी लिखी हैं कि एक्चुअली जो ये चिंतामणि जो प्रोस्टिट्यूट थी,
पिछले जीवन में मेरे गुरु थे, और मेरे गुरु ये प्रोस्टिट्यूट के रूप में आए मेरा सही समय पे उद्धार करने। तो जब एक दिन काफी समय सालों के बाद अपनी भक्ति करने के बाद बीरू मंगल ठाकुर एक बार जंगल से गुजर रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं वृंदावन की तरफ, बहुत दूर से साउथ से वृंदावन जा रहे होते हैं। तो वहां पे एक देखते हैं स्त्री को स्नान करते हुए, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं वापिस से उसकी तरफ और बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसको फॉलो करने लगते हैं उसके पीछे। और वो जब औरत वो अपने घर पहुंचती है तो अपने पति को बताती है कि ऐसे ऐसे एक साधु है, सन्यासी साधु है, वो मेरे को फॉलो कर रहा है, बट कुछ ठीक नहीं लग रहा जिस तरह से मुझे वो देख रहा है। तो उसके पति, वो काफी धार्मिक लोग होते हैं, तो वो देखते हैं कि वो पति बोलता है कि देखते हैं आने दो, साधु महात्मा है उनका मैं आदर सत्कार करना चाहिए। तो बिल्लू मंगल ठाकुर उनका दरवाजा खटखटाते हैं और उनको बड़े अच्छे से रिसीव करता है वो व्यक्ति कि आइए महात्मा जी, आप आइए, अभी का टाइम नहीं है, पहले चार लोग बुला के पीटते हैं उसको। तो ये उस समय का समय है जब बहुत रिस्पेक्ट होती थी साधुओं की, सन्यासी की, क्योंकि चीटर्स बहुत कम होते थे साधु वेश में। तो जब बिल्लू मंगल ठाकुर उनके घर आके बैठते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं जो भी है, तो उनसे पूछते हैं आपकी क्या सेवा करें। तो बिल मंगल ठाकुर उनको बोलते हैं कि मैं इतना मैंने तुम्हारी वाइफ को देखा और मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया हूँ, मैं चाहता हूं कि तुम एक रात के लिए अपनी पत्नी मेरे साथ छोड़ दो। तो वो व्यक्ति बड़ा है पर हैरान हो जाता है कि ये कैसी डिमांड है इस साधु की। तो अपनी पत्नी के पास जाता है और बोलता है कि ये साधु रूप में आया है, अब हो सकता है भगवान हमारा टेस्ट ले रहे हो, क्या करें क्या करें। तो बोलते हैं अभी साधु इच्छा कर रहा है, ये सन्यासी इच्छा कर रहा है। पति बोलता है मुझे लगता है इसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। वो तो पत्नी को बोलता है कि मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ, तुम इसकी इच्छा पूरी करो। तो बिल्लू मंगल ठाकुर और वो उसकी जो वाइफ है वो रूम में अकेले जाते हैं, और बिल्लू मंगल ठाकुर जब ये सीन देखता है तो उसके मन में वो पूरा का पूरा चर्निंग तो हो ही रहा होता है, ये पूरा का पूरा डिस्टर्बेंस चल रहा होता है। तो वो जब देखता है कि इस व्यक्ति ने अपनी वाइफ को भेज दिया रूम में ऐसे, तो ये उसको बोलता है कि तुम अपने सर से मुझे दो पिंस निकाल के दो, हेयर पिन। तो वो हेयर पिन निकाल के बिल मंगल ठाकुर को देती है और वो दोनों हेयर पिन लेता है और अपनी आंखों में मारता है, पूरा आंखों को पूरा का पूरा डैमेज कर देता है। तो बहुत दर्द से चिल्लाता है थोड़ी देर और उसके बाद हंसने लगते हैं बिल मंगल ठाकुर, और हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि मेरा आखिरी दुश्मन जो था, जो मेरे को भगवान से मिलने नहीं दे रहा था, अब वो भी खत्म हो गया, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता कृष्ण के दर्शन करने से, ये मेरा आखिरी डिस्ट्रैक्शन थी, हाँ, जो मेरी डिस्ट्रैक्शन अभी समाप्त हो गई। और वो उसी दर्दनाक अवस्था में वहां से वृंदावन की तरफ चलने लगते हैं अंधे पूरी तरह। एक्सट्रीम एग्जाम्पल है बट काफी सीखने को मिलता है कि अगर हमारी एक भी सेंस हमारे को पूरी तरह ऑफ ट्रैक लेके जा सकती है कंप्लीटली। अगला श्लोक 68। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाथेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषय से सब प्रकार से विरक्त विरक्त होकर उसके वश में है, उसी उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। अब जिस ये बेसिकली जो जिस 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 व्यक्ति की जिसकी जो सेंसेस हैं वो अपने अपने ऑब्जेक्ट से डिटैच्ड है। सेंस होती है आंख, सेंस ऑब्जेक्ट होता है आंख की देखने की वस्तु। तो अगर वो उससे रिस्ट्रेन करके रखता है, उसको कंट्रोल में रखकर रखता है और उससे दूर रखता है अपने आप को, तो उसकी इंटेलिजेंस स्टडी रहती है। तो अगर उसकी जो सेंस इंद्रिय है किसी एक वस्तु को पकड़ ली, तो मन उस पर भटकने लगेगा और फिर उसकी इंटेलिजेंस वीक होने के कारण, डिस्टर्ब होने के कारण बह जाएगी। पिछले श्लोक में हमने देखा जिस तरह एक बोट बह जाती है पानी में हवा के बहाव से, तो वो क्या करता है अपनी सेंसेस को
भटकने नहीं देता किसी भी विषय के ऊपर, किसी भी सेंस ऑब्जेक्ट के ऊपर। प्रभुपाद तात्पर्य बोलते हैं कि इंद्रियों का जो ये जो वेग है, ये जो फोर्स है, इसको भगवान की सेवा में अपनी सेंसेस को लगा के इस वेग को कंट्रोल किया जा सकता है। पिछले श्लोक में प्रभुपाद अमरीश महाराज का एग्जाम्पल दे रहे हैं। अमरीश महाराज अपने हाथों से मंदिर का मार्जन करते हैं, अपनी आंखों से भगवान के सुंदर दर्शन को देखते हैं, अपने नाक से भगवान को ऑफर किए हुए फूल सूंघते हैं, जीभ से भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, भगवान का प्रसाद खाते हैं, कान से भगवान के बारे में सुनते हैं कथा कीर्तन वगैरह, ऐसे पैरों का इस्तेमाल करते हैं मंदिर जाने के लिए। तो हम सारे अपने अपने सेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जितना उसको हम भगवान की सर्विस में, कृष्ण कॉन्शियस वे में एंगेज रखेंगे, उतना ही हमारे को वो प्रोटेक्टेड रखेगी। अब व्यक्ति बोले, अरे हमें तो 8-10 घंटे के लिए काम पे जाना पड़ता है, कंप्यूटर देखना है, आईटी का काम, किसी का अकाउंटेंट का, किसी का बिजनेस है, किसी का कुछ है, लेबर से माथापारी करनी पड़ती है, सर मारना पड़ता है। अगर हम ये सारी चीजें ही भगवान की सेवा के लिए करें, जिस तरह पीछे आया था कि हम जो भी यज्ञ तपस्या कर रहे हैं, अगर वो उसका इंजॉयर हम भगवान को बना दें, उसका जो इंजॉयर है वो, जो उसमें से जो रिजल्ट आएगा वो भगवान की सेवा में इस्तेमाल करने लगे, तो ऑटोमेटिकली हम सेम सिचुएशन में आ जाएंगे कि हम अपने सारे सेंसेस को स्पिरिचुअली एंगेज कर रहे हैं। तो अभी जिस किस तात्पर्य में प्रभुपाद बोले, जिस तरह किसी शत्रु को, एनिमी को सुपीरियर फोर्स से कंट्रोल किया जाता है, इसी तरह इंद्रियां जो हैं वो किसी हमारे खुद की शक्ति से कंट्रोल नहीं हो सकती। बहुत सारे से उदाहरण है, अपने सेंसेस को कंट्रोल रखते हैं। शौबरी मुनि बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है उसके। शौबरी मुनि इतने शक्तिशाली मुनि थे कि वो पानी के नीचे जाके तपस्या कर रहे थे, पानी के अंदर बैठ के, कि बाहर की कोई डिस्टरबेंस देखने के ना पड़े। मतलब उनकी योग सिद्धि इतनी थी कि वो पानी के अंदर जाके तपस्या कर रहे थे सालों साल, हजारों साल, कि बाहर की कोई डिस्टरबेंस आए ना। ऋषि मुनि इसलिए जंगलों में जाते थे ताकि शहर की कोई डिस्टरबेंस दिखे ना। तो शौबरी मुनि ने बोला, नहीं, जंगल में भी कुछ ना कुछ लोग आ जाते हैं, डिस्टरबेंस होती है, मैं पानी के नीचे जाता हूँ। तो पानी के नीचे एक दिन वो तपस्या कर रहे थे, और पानी के नीचे तपस्या करते समय उन्होंने दो मछलियों को देखा, हाँ, संग करते हुए, और उससे वो डिस्टर्ब हो गए और बाहर आए और राजा के पास गए। अब इतने सालों से पानी के नीचे तपस्या कर रहे थे, बहुत बुरे हाल में थे वो, तपस्या के कारण भद्दे एकदम डरावने दिख रहे थे, दाढ़ी बड़ी, सूखा एकदम शरीर, और राजा के पास गए। राजा ने सत्कार किया, इतने बड़े ऋषि आए, शौबरी मुनि आए हमारे पास। तो राजा को बोलते हैं कि मुझे, राजा की 50 बेटियां थी, तो राजा को बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी एक बेटी से शादी करनी है। इतना डिस्टर्ब हो गए थे वो, चिड़ियों, सिर्फ दो बर्ड्स और दो मछलियों को संग करते देख के। तो गए राजा के पास और बोले, मुझे तुम्हारी बेटी से शादी करनी है। अब राजा मन में डर रहा था कि यार, इस साधु को मैं मना करूं, जितना बुरा ये दिख रहा है, जितने बुरे हाल में दिख रहा है, इसको मैं मना करूंगा कि मेरी कोई बेटी तेरे से शादी नहीं करेगी, इतना तेरा बुरा हाल है, तो मुझे श्राप ना दे दे। तो राजा ने बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दिया कि हाँ ऋषिवर, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी बेटी अगर प्रसन्न है तो वो कर सकती है आपसे शादी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब शौबरी मुनि को उनकी बेटियों के सामने रखा तो सबने मना कर दिया, 50 की 50 बेटी में कोई नहीं मानी, क्यों? इतना डरावना, इतना भयानक सा दिख रहा था, गंदा दिख रहा था। तो शौबरी मुनि समझ गए कि ये क्या बोल रहे हैं एक्चुअली। तो शौबरी मुनि ने जो योग सिद्धि अपनी तपस्या करी थी भगवान की सेवा के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, उस सिद्धि का इस्तेमाल किस लिए किया? अपने को इतना सुंदर बना लिया उस योग सिद्धि से, इतना ज्यादा अट्रैक्टिव बना लिया कि जब वो 50 बेटियों के सामने गए तो 50ों की 50 आपस में लड़ने लगी कि मुझे चाहिए ये, मुझे शादी करनी है शौबरी मुनि से। इमेजिन, उनकी तपस्या का इस्तेमाल करने लगे सिर्फ दो मछलियों को देख के, और 50 की 50 आपस में लड़ने लगी उस बात एक दूसरे से कि मुझे ये चाहिए पति, मेरे को ये पति चाहिए। तो शौबरी मुनि ने क्या किया, उनकी इतनी ज्यादा सेंसेस डिस्टर्ब हो गई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को 50 में डिवाइड किया अपनी योग साधना से, और उन्होंने 50ों से शादी की।
और 50 के साथ एंजॉय किया, और उसके बाद बहुत सालों के बाद एंजॉय करने के बाद एक दिन उनके मन में विचार है, मैं क्या कर रहा हूँ ये, मैं क्या करने तपस्या करने साधना करने पानी में गया था, मैं कहाँ फंस गया हूँ, ये मैं किस चीज में फंस गया। तो तब वो वापस से अपने योग साधना में जुड़ते हैं, पूरा का पूरा परिवार सब त्यागते हैं और दोबारा से मेडिटेशन में लग के फिर परफेक्शन पाते हैं। एक सेंस क्या डिस्टरबेंस हुई, सिर्फ मछलियों को देख लिया। हाँ? तो प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम। तो इसीलिए बाय फोर्स कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। विश्वामित्र सिमिलर एग्जांपल, मेनका आई डिस्टर्ब कर गई, रंबा आई डिस्टर्ब कर गई, फोर्सफुली नहीं कर सकते। इसलिए इसका सिंपल सोल्यूशन है अपनी सेंसेस को ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा में लगाना। ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा में लगाना, वेरी सिंपल सोल्यूशन। और हमने कितनों का रिजल्ट देखा भी है जो ऑर्डिनरीली नहीं कर सकते थे वो ये अचीव कर पाए हैं गोल। सिर्फ कौन कितना अपने को भगवान की सेवा में एंगेज रखता है, अपनी इंद्रियों को, उस पर मैटर करता है। क्योंकि भगवान जो है वो योगेश्वर है, भगवान ऋषिकेश भी है, भगवान योगियों के ईश्वर हैं। तो भगवान चाहे तो हमारे को ये योग सिद्धि दे सकते हैं कि हम भी अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लें। और भगवान ऋषिकेश हैं, भगवान सेंसेस के कंट्रोलर भी हैं। तो अगर वो प्रसन्न हो हमारी प्रैक्टिस से, हमारे एंडेवर से, तो हमारे को रिजल्ट मिल सकता है। अगला श्लोक। यहाँ लिखा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। इंटरेस्टिंग श्लोक है। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्मसंयम संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। जो लोगों के लिए दिन है वो हमारे लिए रात है, होनी चाहिए, और जो हमारे लिए रात है वो उनका दिन होता है। अब भगवान यहाँ पे इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल नहीं सॉरी, ये एनालॉजी है, किस तरह एक मटेरियलिस्ट जो भौतिकवादी व्यक्ति है उसकी जो जो रात है वो हमारे लिए दिन है। बेसिकली जिस चीज में उसका इंटरेस्ट नहीं है वो हमारे लिए सब कुछ है, और जो उसके लिए दिन है वो हमारे लिए रात है, हमारा उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। इसको दो तरीके से समझा जा सकता है कि जो जो मटेरियलिस्टिक व्यक्ति है, जब एक साधु सो रहा होता है तब एक मटेरियलिस्टिक व्यक्ति अपनी सेंस एंजॉयमेंट में लगा होता है। जनरली जो सो रहा होता है रात में तब पार्टी चल रही होती है। जब एक संत का सुबह उठने का समय होता है, 4-5 बजे सुबह जो भी मंगल आरती में उठने का समय होता है, उस समय पे एक मटेरियलिस्टिक व्यक्ति रात को पार्टी से आ रहा होता है और सुबह फिर आके सोता है वो। ये एक तो एक है। दूसरा इसका जो डीपर अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि सेल्फ रियलाइजेशन को लेके, आत्म साक्षात्कार को लेके एक मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति सो रहा है, और उसको वो एक एक साधु के लिए, एक स्पिरिचुअली एक्टिव व्यक्ति के लिए सब कुछ है। और एक मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति जिस के लिए जो दिन है बेसिकली कॉन्स्टेंटली उसको डिफरेंट वैरायटी चाहिए सेंस प्लेजर्स के लिए, हाँ, जिसमें वो कभी सुखी रहता है कभी दुख रहता है, वो एक संत के लिए रात है, उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है कि हर समय मेरी सेंसेस के लिए कुछ तो मुझे मिलता रहे। तो इसका तात्पर्य पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बुद्धिमान मनुष्य की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्र तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक हैं जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुष या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में
अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन के प्रति उनका इंटरेस्ट नहीं रहता बिल्कुल भी। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है। जो एक मुनि है उसको को ये एक जो ट्रांसेंडेंटल प्लेजर फील होता है स्पिरिचुअली जब वो एडवांस करता है, जबकि जो मटेरियलिस्टिक व्यक्ति है, मैं हिंदी पढ़ लेते हैं उसका, किंतु भौतिकवादी कार्य में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है। वो सिर्फ ड्रीम करता है किसी तरह सेंस प्लेजर्स मिल जाए, और उसी सुप्त अवस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। हाँ, आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्य मनस्क रहता है। वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। जो एक सेज है, इंट्रोस्पेक्टिव सेज है, वो मटेरियल हैप्पीनेस हो या डिस्ट्रेस हो, उसमें इतना वो इंडिफरेंट रहता है, उसको फर्क नहीं पड़ता सुख आ रहा है या दुख आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो हायर टेस्ट के पीछे में लगा हुआ है। वो अपनी सेल्फ रियलाइजेशन, प्लीज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना, जो एक साधु है, जो स्पिरिचुअली माइंडेड व्यक्ति है, उसके लाइफ में सुख और दुख जो आ रहा है वो उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता, क्योंकि सुख और दुख तो ऑटोमेटिकली इस भौतिक जगत में आता रहेगा जाता रहेगा, आता रहेगा जाता रहेगा, सुख आएगा कभी दुख आएगा। वो भगवान के साथ अपना रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने, सेल्फ रियलाइजेशन की एक्टिविटीज में बिना डिस्टरबेंस के लगा रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो बहुत ज्यादा इन डिस्टर्बेंस को अपने को खराब करने नहीं देता अपने स्पिरिचुअल लाइफ को। आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी ऊपर प्रॉपर्टी नीचे, क्रिप्टो ऊपर क्रिप्टो नीचे, इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई, मार्केट अच्छी है, बच्चे के स्कूल में मार्क्स कम आए, आज अच्छे आ गए तो खुशी हो गई, बहुत दुखी हो गया, ये तो चलता रहेगा, ये तो इस सृष्टि का नियम है। बट वो ये सारे के सारे सुख और दुख की टक्कर में, मारपीट में अपनी भक्ति को खराब नहीं होने देता। हाँ, हमारे लिए ये थोड़ा सिंपल सा मैसेज है इसमें। अगला श्लोक, अगला श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीन श्लोक बचे हैं, हम खत्म कर लेंगे आज इस चैप्टर को। अपूर्यमानं अचलां प्रतिष्ठां समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न काम कामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, जो सदैव स्थिर रहता है, वह शांति प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य में, जैसे समुद्र में कॉन्स्टेंटली नदियां आती रहती हैं, बट हम ये नहीं देखते कि समुद्र का डिस्टरबेंस हो गया, समुद्र में अभी वो ओवरफ्लो हो रहा है, अभी एजिटेट हो गया समुद्र, नहीं। उसी तरह जिस तरह एक एक व्यक्ति में इच्छाएं कॉन्स्टेंटली आती रहती है मन में, अभी ये कर लो अभी वो कर लो, अभी इच्छाओं को नहीं रोक सकते हम अपनी। हाँ, कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं को, आती हुई इच्छाओं को नहीं रोक सकता, डिजायर्स को नहीं रोक सकता, बट उनके प्रवाह से विचलित नहीं होता, वही व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता करता हो। वो व्यक्ति कभी शांति नहीं प्राप्त कर सकता जो कॉन्स्टेंटली फाइट कर रहा है, दुनिया में लड़ रहा है, जो इच्छा आ रही है उसको पूरा करने भाग रहा है, जो डिजायर आई उसको पूरा करने भाग रहा है। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि समुद्र की तरह हमारे को होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिजायर तो आती रहेंगी। अभी किसी ने अगर महंगी गाड़ी ली है तो आपकी भी इच्छा आएगी, बट अगर हम स्पिरिचुअली अपने को स्थित नहीं करके बैठे हैं, अगर हम भगवान की भक्ति में सॉलिडली नहीं एस्टेब्लिश्ड हैं, तो दूसरे व्यक्ति ने गाड़ी ली है तो वो डिजायर आपको इतनी डिस्टर्ब कर जाएगी कि आपको लोन लेना ही पड़ेगा वो गाड़ी लेने के लिए, नहीं तो आप भागते रहोगे, डिस्टर्ब रहोगे, परेशान रहोगे। हाँ, इसीलिए हमारी जो चैंटिंग है, हमारी चैंटिंग जितनी अच्छी होगी, हमारी हेयरिंग, हमारी रीडिंग जितनी अच्छी होगी, उतना ये सारी की सारी डिजायर्स हमारे को पागल नहीं करेंगी, हमारे
ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये सारी इच्छाएं हमारे को हर समय पागल कर रही होती हैं, हर समय। और ये प्रूफ है एक कृष्णा भावना भावित व्यक्ति का। क्या प्रूफ है? कि इंद्रियों की जो जो फ्लो है हा? वो कॉन्स्टेंटली तो उसके आ रहा है मन में, बट वो उसकी पूर्ति के लिए अपने भक्ति को डिस्टर्ब करता हुआ भाग नहीं रहा। और हम सब अपने अपने लाइफ में ये देख सकते हैं उदाहरण, कि हम कितना भाग दौड़ में लगे हैं अपनी भक्ति को पूरी तरह से स्टेक पे रख के, दाव पे लगा के अच्छे से। इसका तात्पर्य बहुत है, यदि भी विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषता यह अधिकाधिक जल से भर जाता है, तो भी सागर उतने उतने पर ही स्थिर रहता है, ना तो वह विभुक्षुक होता है ना ही तट की सीमा को का उल्लंघन करता है। बाढ़, समुद्र में बाढ़ नहीं आती, सुनामी इज डिफरेंट। सुनामी समुद्र में बाढ़ आना नहीं है, समुद्र में बाढ़ कभी नहीं आती कि और इतनी नदियों आ गई, इतनी बारिश आ गई, समुद्र में बाढ़ आ गई। अभी सुनामी तो अर्थ को एक और डिफरेंट एक्सप्लॉयटेशन जो हम रिसोर्सेस के साथ कर रहे हैं उसका रिजल्ट है। यही स्थिति कृष्ण भावना में व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है, तब तक इंद्र तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेंगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब तक बॉडी है डिजायर रहेगा, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण, किंतु ये मार्क करना प्लीज, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता, क्योंकि वो फुल है अपने आप में। एक डिवोटी भगवान का वो इतना हैप्पीली सेटिस्फाइड है अपने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में कि वो मटेरियली उसके पास जो है उसमें सेटिस्फाइड है, उसमें खुश है वो और डिस्टर्ब नहीं हो रहा आसपास के लोगों को देख के, रिश्तेदारों के को क्या कर रहे हैं, उनके पास कितना है उसको देख के। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्यों में स्थिर रहता है और इंद्र तृप्ति की इच्छा में रंच से रंच भर भी विचलित नहीं होता, हेंस एंजॉयमेंट से डिस्टर्ब नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। क्या प्रमाण है? इच्छाओं के होते हुए भी कभी इंद्र तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता। डिजायर तो होती है बट पागल नहीं होता उसको लेकर, क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तुष्ट रहता है। अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल सकती। अब जो लिबरेशन के पाथ पे चल रहा है वो भी इच्छाओं की पूर्ति ही कर रहा है, जब वो व्यक्ति भी सुखी नहीं रह सकता, तो उस व्यक्ति का क्या जिसका केवल एक ही जीवन का गोल है, मेरी डिजायर्स को पूरा करो, मेरे डिजायर्स को पूरा करो। और हम सारे उसी कैटेगरी में से आ रहे हैं, धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, हम सारे इसी कैटेगरी, जो इच्छा मन में आई उसको पूरा करने भागने लगे। कर्मी मुमुक्षु तथा वह योगी सिद्धि के कामी है, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। अभी कोई कर्मी हो, फ्रूटिव वर्कर हो, मुक्ति के लिए व्यक्ति हो, भाग रहा हो, या योगी हो, ये सारे के सारे किसी ना किसी प्रकार अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, अनसेटिस्फाइड डिजायर्स के लिए भाग रहे हैं, इसलिए अनहैप्पी है। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भागवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथाकथित भाव बंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता, एक भक्त मोक्ष की कामना भी नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। एक डिवोटी मुक्ति की भी कामना नहीं करता, वो क्या कामना करता है? भगवान की सेवा की। अब भगवान की सेवा की कामना में अगर भगवान उसको मुक्ति देते हैं तो ठीक है, अगर भगवान चाहते हैं कि वो भक्त यहीं रह के उनकी सेवा करे तो भी ठीक है। हम एक बार एक डिवोटी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, वहां पे देवामृत स्वामी थे, प्रभुपाद जी के बहुत सीनियर डिसाइपल है, मेलबर्न में आते हैं। तो एक बार हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, हरे कृष्ण कृष्ण,
यू टेक बर्थ अगेन, हरे कृष्ण टू, महाराज ने मार को रोक दिया उसी समय, बोले नहीं डोंट सिंग लाइक दैट, मे यू नेवर टेक बर्थ अगेन, कि तुम दोबारा जन्म ना लो, भगवान करे तुम दोबारा जन्म ना लो। बोले नहीं, अगर कृष्ण की इच्छा हुई तो भक्त को रेडी रहना चाहिए कि हाँ मैं दोबारा इस भौतिक जगत में आऊंगा आपकी सेवा के लिए। वेरी हाई प्रिंसिपल, मुक्ति मुक्ति उसका गोल नहीं है, भगवान की सेवा उसका गोल है, उसके लिए चाहे भगवान उसको अपने धाम बुला लें, अच्छे सेवा ले रहे। अगला श्लोक, विहाय कामान् सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकार स्वशांतिम् अधिगच्छति। अब ये सारे के सारे पीस फॉर्मूला चल रहा है कॉन्स्टेंटली। हाँ, पिछले श्लोक में भी हमने देखा, अभी भी देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। सो बेसिकली सेंस एंजॉयमेंट छोड़ दी, इच्छाओं से जो मुक्त रहता है वो, जिसने सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप छोड़ दी है, ममता का मतलब है ये मेरा है, हाँ ये मेरा है वो, और जिसने अहंकार को छोड़ दिया है वो शांति प्राप्त कर सकता है। तो बड़े तात्पर्य बता रहे हैं कि यहाँ पे उसकी डिजायर क्या है, भगवान की सेटिस्फेक्शन करना, ना कि आर्टिफिशियली अपनी इच्छाओं को खत्म कर देना। देखो आर्टिफिशियली ये श्लोक का कोई अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर सकता, चाह के भी नहीं कर सकता, वर्क ही नहीं करेगा वो। तो क्योंकि एक व्यक्ति कभी भी इच्छा रहित नहीं रह सकता, डिजायर तो हर व्यक्ति में हर समय रहेगी, बट वो अपनी डिजायर्स की क्वालिटी को चेंज कर सकता है, अपनी क्वालिटी को चेंज कर सकता है। तो तात्पर्य प्रभुपद बताते हैं कि क्या क्या क्वालिटी रहती है उस व्यक्ति की, जिस जिसकी डिजायर नहीं होती, वो ये जानता है कि भगवान मेन सुप्रीम प्रोपराइटर है, हर चीज के कारण कर्ता भगवान है, ईशावास्यम इदम सर्वम, भगवान सुप्रीम प्रोपराइटर है, और इस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के बेस पे उसकी सेल्फ रियलाइजेशन होती है। हा? वो जानता है कि हर जीव भगवान का पार्ट एंड पार्सल है। हा? और वो ये भी जानता है कि एक जीव की जो पोजीशन है, क्योंकि वो भगवान का अंश है, वो कभी भी भगवान के बराबर या भगवान से ऊपर नहीं हो सकती। कृष्ण का एक नाम है असम ऊर्ध्व, सम मींस इक्वल, असम मींस कोई उनके इक्वल नहीं है, और उनसे ऊपर तो वैसे ही कोई नहीं है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी, ये उसकी बेसिक प्रिंसिपल जो की जो अंडरस्टैंडिंग है, ये उसकी कृष्ण भावनामृत जो अंडरस्टैंडिंग है, ये उसको शांति प्रदान करती है। एक्चुअल डिजायरलेसनेस क्या है, एक्चुअली इच्छा से मुक्ति क्या है, इच्छा तो कोई त्याग सकता नहीं, तो इच्छा से मुक्त कैसे हुए, भगवान की सेवा की इच्छा रख के इच्छा से मुक्त हुआ जा सकता है। क्यों, क्योंकि वो प्यूरिफाइड इच्छा है, तो वो प्यूरिफाइड इच्छाएं इज इक्वल टू नो इच्छा, नो डिजायर, स्पिरिचुअल डिजायर इज इक्वल टू नो डिजायर। जैसे मौन रखना, मौन रखना मतलब चुप रहना, बिल्कुल मुंह से एक वर्ड नहीं निकालना। तो भगवद गीता बोलती है अगर कोई भगवान की ही सिर्फ बात कर रहा है तो वो इक्वल है मौन रखने के, क्योंकि मौन रखना अपने आप में बड़ी क्वालिटी नहीं है, फालतू तो बात ना करना अपने आप में बड़ी क्वालिटी है, तो फालतू तो बात ना करे इसलिए मौन रखता है व्यक्ति। बट अगर कोई भगवान की ही चर्चा कर रहा है तो वो मौन के बराबर है, उससे बड़ा ही है एक्चुअली में। तो बेसिकली अपने एक व्यक्ति को अपनी एक्चुअल पोजीशन जानना कि मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं भगवान का सर्वेंट हूँ, ये पहला क्राइटेरिया है उसके शांति को प्राप्त करने का।
दूसरा जो है अहंकार से मुक्त होना, वो उसको क्या करेगा, वो उसको इस ये शरीर को खुद को मानना कि मैं ये शरीर हूं, इस शरीर से जुड़ी चीजें मेरी हैं, इसको ऑटोमेटिकली वो त्यागेगा। तो ये दूसरा फॉर्मूला है, दूसरा तरीका है इस श्लोक में जो है शांति प्राप्त करने का। ये परफेक्ट स्टेजेस है कृष्ण कॉन्शियसनेस की। फिर वो ममता से मुक्त होता है, फ्री होता है प्रोप्राइटरशिप से, कि जो भी कमाया, जो भी मेरे ये बीवी बच्चे पति काम प्रॉपर्टी, ये सब मेरा है, सब मेरा है क्योंकि मैंने कमाया। अरे अगर हमारा होता तो 50-60 साल बाद जब व्यक्ति मरता है तो साथ में क्यों नहीं लेके जाता, सब यही छोड़ के जाना पड़ता है। हाँ, तो ये सिर्फ 60-70 साल की ममता के कारण हम अपनी इटर्निटी, अपने करोड़ों लाखों जन्मों को बर्बाद कर देते हैं सिर्फ 60-70 साल की ममता के लिए। अगर ये ममता छोड़ी, ये प्रोप्राइटरशिप छोड़ी, तो हमारे फ्यूचर बहुत सेफ है। और फिर वो ये समझता है कि भगवान ही एक्चुअल प्रोप्राइटर है, ईशावासन भगवान एक्चुअल प्रोप्राइटर है, मैं नहीं हूं। और वो भगवान, ये जो घर जिसमें वो रहता है उसको भगवान की प्रॉपर्टी समझता है, बट अपने आप को केयर टेकर समझता है कि हाँ मेरी जिम्मेदारी इस घर का, इस परिवार का ध्यान रखना, और मैं इस घर का परिवार का ध्यान रखूंगा, और भगवान के घर का, भगवान के परिवार का ध्यान रखते हुए मैं अपनी ड्यूटीज को निभाऊंगा। ये कॉन्शियसनेस बहुत अमेजिंग है, सोच भी नहीं सकते लोग ऐसा, भगवद गीता जो बता रही है। जैसे अर्जुन के लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या थी इस श्लोक में, कि वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए फाइट करे अपनी बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी के को लेके, जबकि उसकी कोई इच्छा नहीं थी फाइट करने की, बट कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करे। तो अब ये जो आखिरी श्लोक है इस चैप्टर का, ये भगवान एंड करते हैं ये बता के, इस बेसिकली सेकंड चैप्टर की एक ब्रीफ समरी देके भी, कि वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति चलता कैसे है। तो हमारा आज का आखिरी श्लोक है ये। एषा ब्राह्मी स्थिति प्रार्थ नैनं प्राप्य अभिमुह्यति चित्वास्याम अंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। ये आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, इसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भागवत धाम को प्राप्त होता है। ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, ब्रह्म निर्वाण भगवान के धाम को प्राप्त करता है वो। उसका तात्पर्य पढ़ेंगे, मनुष्य कृष्ण भावनामृत यह दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी ना प्राप्त हो। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। हाँ, खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली, निर्वाण के का ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। खटवांग महाराज एक्चुअली देवताओं के लिए लड़ रहे थे, और खटवांग महाराज ने जब देवताओं के लिए युद्ध करा और युद्ध जीत लिया, तो देवताओं ने खटवांग महाराज से बोला वरदान मांगो हमारे से। तो खटवांग महाराज इतने इतने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंट थे, तो उन्होंने देवता से बोला कि तुम मुझे इतना बता दो कि मेरी मृत्यु कितनी देर में है, ताकि मैं अपने आप को प्रिपेयर कर लूं स्पिरिचुअली। तो देवता ने खटवांग महाराज को बोला कि कुछ ही मिनटों में तुम मरने वाले हो। हाँ, तो खटवांग महाराज ने कुछ मिनटों का जैसे ही सुना कि मैं मरने वाला हूँ, मेरी मृत्यु आ जाएगी, उन्होंने उसी समय अपने को कुछ मिनटों के अंदर ही पूर्ण कृष्णा कॉन्शियस कर लिया और भगवान का धाम प्राप्त कर लिया। तो इसलिए वो स्टोरी का एग्जाम्पल है। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। हाँ, मेटीरियलिस्टिक लाइफस्टाइल को खत्म करना निर्वाण है। बौद्ध दर्शन, बुद्धिज्म के हिसाब के अनुसार इस भौतिक जीवन का पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, सिर्फ शून्य रह जाता है। किंतु भगवद गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। बुद्धिज्म की जो टीचिंग है भगवद गीता उससे कंप्लीटली अलग है।
ये जीवन खत्म हो गया, कुछ सुनने नहीं रहता, नेक्स्ट जर्नी शुरू हो जाता है। वास्तविक जीवन का शुभ आरंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। तो भौतिकतावादी के लिए ये जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ शुरू होती है। अभी तो इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावनावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। ब्रह्म निर्वाण मतलब भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद पर हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना, भगवान के धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति विषय कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषय। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। हमारे को कोई डेस्टिनेशन प्राप्त करके परफेक्शन को नहीं ढूंढना, एक भक्त को यही परफेक्शन मिल जाती है, फिर वो भगवान के धाम जाता है। जो भगवान का बहुत शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लेता है उसको यही फाइनली सारा रिजल्ट दिखता है और फिर वो भगवान के धाम जाता है। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत हैं, ऑपोजिट हैं। अतः ब्राह्मणी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर ना होना। भगवद गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। स गुणान संबंधित ब्रह्म भूयाया कल्पते, अतः ब्रह्म स्थिति भौतिक बंधन से मुक्त है। इंटरेस्टिंग पॉइंट। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने भगवद गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भक्ति विनोद ठाकुर ने बेसिकली सेकेंड जो चैप्टर है इसको पूरे भगवद गीता का जो कंटेंट है, जो मेन एसेंस है, उसका समरी बताया एक सेंस में। भगवद गीता का प्रतिपाद है क्या है? भगवद गीता का मेन सब्जेक्ट मैटर कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग तथा ज्ञान की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। थोड़ा सा ग्लिम्स है सिर्फ भक्ति योग का, बट कर्मयोग और ज्ञान योग को काफी क्लियरली डिस्कस किया है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। तो नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट चैप्टर 3। अब चैप्टर 3 ऑनवर्ड्स थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे हम। आज अब क्रिसमस ब्रेक आ रही है यहाँ पे मेलबर्न में, तो हम आज की क्लास के बाद हम अपने क्लास कंटिन्यू करेंगे 12th of January को। नेक्स्ट क्लास होगी अभी, तो 3 वेनसडे का ऑफ रहेगा और 12th of January को हम मिलेंगे, क्योंकि अभी किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है। सबकी छुट्टियां भी शुरू हो गई हैं, स्कूल हॉलीडेज भी यहाँ पे शुरू हो गई हैं बच्चों की ऑस्ट्रेलिया में। हम 12th जनवरी को अब मिलेंगे। किसी का को कोई क्वेश्चन है तब अभी? हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद जी बोलिए। प्रभु। मेरा एक प्रश्न है कि जैसे वो एक पॉइंट था कि कृष्ण भावना मृत में जब तक कोई नहीं है तो वो शांति नहीं होगी और वो बंदा हमेशा शांत रहेगा। बट प्रभु, हमने जैसे मतलब मैंने अपने जैसे जीवन में अपने दादाजी को देखा है, वो चैंटिंग नहीं करते थे, कुछ नहीं करते, बट वो फिर भी मोड ऑफ गुडनेस में थे एंड ही वॉज नॉट आफ्टर मनी। तो हाउ डू वी एक्सप्लेन दैट? वो सिर्फ मोड ऑफ गुडनेस में थे, मतलब हाउ डू वी डिफरेंशिएट, मतलब जैसे स्टेटमेंट को कैसे थोड़ा। करेक्ट। तो हमने देखा है कि कई लोग शांत रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं, बट इंटरेस्टिंग अगर कभी भी देखना हो ऐसा किसी का भी उदाहरण, तो थोड़ा सा उस सरफेस को स्क्रैच करके देखना चाहिए कि अंदर इच्छाएं, उनकी इच्छाएं कैसी रहती है। मोड ऑफ गुडनेस में सत्वगुणी व्यक्ति की इच्छा कैसी रहती है? उनकी इच्छा रहती है, उनकी ऐसे होड़नी लगी रहती, पैसे की या दुनियादारी के से बराबरी करने की। उनकी इच्छा कैसी रहती है? मेरे बच्चे सेटल हो जाएं, मेरे पोते का शक्ल देख लूं, मेरे परिवार सुखी रहे। इच्छाएं है ना सारी, और सब मेटीरियल इच्छाएं हैं। हाँ, एक पैशनेट रजोगुण में व्यक्ति की इच्छा कैसी रहती है? हर समय वो काम कर रहा है, हर समय लगा हुआ पूरी तरह। यानी एक व्यक्ति जैसे एक बिजनेसमैन था,
बहुत ज्यादा अपने काम को लेके पर्टिकुलर था, तो अपने मृत्यु शैया पे था, बिस्तर पे था, मरने लगा, मरने के समय था, सब परिवार उसको मिलने आया। तो उसने पूछा, तीन बेटे थे उसके, उसने पूछा बड़े वाले बेटे को नाम बुला के कि राम तुम कहाँ हो, बिस्तर पे लेटा हुआ था। बोला पिताजी पिताजी आप चिंता मत करें, मैं आपके पास ही हूँ। अच्छा शाम का है। बोले पिताजी पिताजी आप चिंता मत करें, मैं आपके राइट साइड में हूँ, आपके हम साथ हैं, हम परिवार आपके पूरा साथ है, आपने इतना जीवन भर हमारे लिए ये किया वो किया वो किया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, राम है श्याम है। तो गोपाल कहाँ है? गोपाल बोला पिताजी मैं भी है लेफ्ट साइड में आपके साथ ही खड़ा हूँ, हम सब बहुत दुखी हैं, सारा परिवार बच्चे सब बहुत दुखी हैं, आप हमें छोड़ के जा रहे हो, पूरा जीवन हमारे लिए आपने इतना किया। फिर बड़ा वाला बेटा है बोला पिताजी आप चिंता मत करें, हम हैं आपके साथ इस दुखद अवस्था में, हम बहुत ग्रेटफुल हैं, आपने हमारे लिए इतना त्याग किया इतना ये किया। तो वो पिताजी बोले अबे चुप करो भाषण देना, तीनों के तीनों बोली जा रहे बोली जा रहे बोली जा रहे, तुम तीनों यहाँ पे हो तो दुकान पे कौन है इस समय फिर? तो ये मोटा पैशन कलेक्शन है कि वो व्यक्ति उस समय भी वैसी इच्छा रख रहा है, बट जो सत्वगुण में व्यक्ति वो दूसरी इच्छा रखता है। बट जो स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव है व्यक्ति, वो अपने को इन सारी इच्छाओं से विड्रॉ करता है, जब उसको पता है मेरा जाने का समय है, मैं क्या कर रहा हूँ ये, अब हो गया मेरा जीवन का कम समय बीत गया ना, अभी मैं रिटायरमेंट का समय हो गया, अभी मैंने अपने परिवार को कर लिया पाल लिया पोस दिया, मैं रिटायरमेंट में हूँ, अब मैं अपने को प्रिपेयर करूँ अपने नेक्स्ट जर्नी के लिए, अब मैं इन चीजों से खुद को विड्रॉ करना शुरू करूं, मेरे बच्चे का क्या होगा, अरे मेरे बोतों का क्या होगा, जिसकी जिम्मेदारी है वो देख लेंगे। तुम अपनी जिम्मेदारी देखो इस समय, अभी तुम्हारे पास अगले जीवन की जिम्मेदारी है, कोई पोता कोई बच्चा साथ नहीं होने वाला अगले जीवन में। हाँ तो ये सत्व गुण है, बट ये शुद्ध सत्व है, प्योर गुडनेस है, स्पिरिचुअल गुडनेस है ये। हम अभी के 2 4 5 साल अपने खराब कर देंगे अपने करंट पैकेज के लिए जो हमारे पास परिवार है, और ये भूल जाएंगे 2 4 5 साल तो मैंने लगा दिए अपनी अटैचमेंट के कारण, अगले जो इतने जन्मों जन्मों का वापस से दुख भोगना पड़ेगा वो मुझे अकेले भोगना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं होगा कि मेरा जो पोता था आएगा, पुत्र दादाजी दादाजी आप मेरी चिंता कर रहे थे ना मृत्यु के समय, तो आप दुख मत लो मैं आपकी जगह दुख ले लेता हूँ, आपको मटेरियल बॉडी दोबारा नहीं भोगनी पड़ेगी, नहीं हमें ही भोगनी पड़ेगी। इसलिए हर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुद को विड्रॉ करे ग्रेजुअली इवेंचुअली, जब उसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई, किसी की कोई गृहस्थ आश्रम में है, उसके परिवार की जिम्मेदारी पूरी हो गई, बच्चे उसके ब्याह गए सेटल हो गए, या बच्चे उसके अब बड़े हो गए वो अपने डिसीजन खुद ले रहे हैं, तो हम अपने को प्रिपेयर करें नेक्स्ट जर्नी के लिए। तो ये प्योर गुडनेस है, अदरवाइज सत्वगुण में भी लोग रहते हैं, उनको उनको दुनियादारी वाली होड़ नहीं होती, पागलपन नहीं रहता, बट उनकी इच्छाएं थोड़ी सात्विक थोड़ी दूसरे प्रकार की होती हैं, बट इच्छाएं होती हैं, उसके लिए भी जन्म लेना पड़ेगा वापस से और दुख भोगना पड़ेगा। ठीक है थैंक यू ब्रो, नो दैट इज सो ट्रू ब्रो। इवन मेरे दादाजी ही वाज इन मोड ऑफ गुडनेस, बट उनकी एंड तक ये इच्छा थी कि मैं काम करूं। उनको पैसे नहीं चाहिए थे, बस उनको काम करना है, हाँ मतलब उनको बस लोगों को ऐसे फ्री में, मतलब जो भी, मतलब उनको काम करना था बस। हाँ, हाँ एंड अलग उनकी ऐसे अलग आर आई डिजायर रहती हैं लोगों के। और कोई क्वेश्चन है किसी का? प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसा हम जानते हैं कि हम तो भगवान के अंश हैं, हाँ तो जी प्रभु जी अंश और अंशी में इतना डिफरेंस कैसे हो जाता है? जैसे अगर हम किसी केक को हॉरिजेंटल या वर्टिकल कहीं से भी काट कर खाएं, द टेस्ट विल रिमेन द सेम, करेक्ट। यहाँ ऐसे क्यों हो जाता है? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका एक्चुअली में, कि भगवान के हम अंश हैं और भगवान पूर्ण रूप से सच्चिद आनंद विग्रह हैं, कंप्लीटली स्पिरिचुअल हैं, सर से नख तक पूरे पूरे स्पिरिचुअल हैं, और हम भी उन्हीं के अंश हैं, तो हमारा इतना बुरा हाल कैसे है भाई? तो इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया गया, जिस तरह आसमान से जब बारिश टपकती है तो रेन वाटर जो होता है बड़ा प्योर होता है, जो बारिश हो रही होती है, रेन वाटर जब आसमान से बादल से गिरता है तो बहुत प्योर होता है, फिर वो एटमॉस्फेयर को टच करता है, उसकी पॉल्यूशन उसको पहला कंटेमिनेट करती है, फिर वो और गिरता है और लोअर एटमॉस्फेयर पे आता है, वो और कंटेमिनेट होता है, फिर वो जमीन पे गिरता है, और वही पानी अगर मिट्टी में गिरता है तो वो मिट्टी जैसा काला हो जाता है,
अगर कहीं और गिरता है तो वैसा हो जाता है, किसी पेड़ पौधे पे गिरता है तो वैसा हो जाता है। तो ये जीव आत्मा, पानी तो अपने आप में प्योर है, अब वो क्या कंटेमिनेशन अपने ऊपर एक्सेप्ट कर रहा है और उस कंटेमिनेशन में कितना समय रह रहा है, उस कचरे को अपने ऊपर कितना हावी होने दे रहा है, वो डिसाइड करेगा उस प्योर लिविंग एंटिटी जो हम है, प्योर लिविंग एंटिटी को वापिस से भगवान जैसा जो नेचर है कभी होगा कि नहीं। और ये पूरा का पूरा भक्ति का जो प्रोसेस है ये इसी ही कंटेमिनेशन को क्लीन करने का है, इसी ही गंध को साफ करने का है, ताकि हम वापस से क्वालिफाई हो सके भगवान के सानिध्य में जाने का। अभी इसीलिए बोला जाता है कि जो जो जीव है वो, क्योंकि वो कृष्ण का इंटरनल पार्ट एंड पार्सल है, भगवान का अंश है, और वो भगवान से विमुख होके भगवान के सेपरेट अपने को एंजॉय करने का कोशिश कर रहा है, इसलिए वो अपने ऊपर ये मटेरियल कंटामिनेशन को ऐड करे जा रहा है, ऐड करे जा रहा है, जन्मों जन्मों से संस्कारों को ऐड करे जा रहा है, और वो जितना इन मटेरियल संस्कारों को अपने ऊपर ऐड कर रहा है उतना ही उसका जो ओरिजिनल नेचर है, प्योर नेचर है, वो कवर होता जा रहा है। तो ये अनकवरिंग ही हमारा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का पुनः श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय, जो इटर्नल डिवोशन है, जो नित्य सिद्ध जो कृष्ण प्रेम है हमारे अंदर, भगवान के प्रति जो नेचुरल लव है हमारे अंदर, जो जो हमारा स्वभाव है, प्योर स्पिरिचुअल स्वभाव है, वो हमारा इटर्नल स्वभाव है, हमसे कोई ले नहीं सकता। बट उसको रिवाइव कैसे करना है, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय, हेयरिंग चैंटिंग, भगवान का नाम लेना, भगवान के बारे में सुनना पढ़ना, इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से उसको वापस से रिवाइव करना है। तो हमारा जो आप केक का एग्जांपल दे रहे हो, वो केक कभी भी उसका नेचर चेंज नहीं होगा, एक गोल्ड माइन है और एक ग्राम सोना है, दोनों का कॉम्पोजिशन सेम रहेगा, बट उस सोने के ऊपर आप जितना भी कवरिंग कर लो, वो कवरिंग तो हटाना पड़ेगा ना, तभी वो प्योर सोना वापस से प्योर होगा। तो आत्मा वो मटेरियल कवरिंग के कारण पूरी तरह से फंसी हुई है और वो हमारे को अनकवर करना है। ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु, ये पूरी मेहनत ही वो अनकवर करने के लिए, और कुछ नहीं है। और भी क्वेश्चन है किसी का? मेरा एक क्वेश्चन है प्रभु, सुबह में मैंने लेक्चर सुन रही थी भागवतम की, उसमें प्रभु बता रहे थे कि 5 senses जो होते हैं एक्सपैंड करते हैं 10 subtle senses में, तो वॉइस इज वन ऑफ द सेंसेस, वॉइस कैसे सेंस हो सकता है प्रभु? वॉइस सेंस सेंस नहीं है, वॉइस तो अभी जीव एक सेंस है ना, जीव का एक्शन है वॉइस, बात करना मतलब। ओके, बट वो मेंशन कर रहे थे वॉइस इज वन ऑफ द सेंसेस, यू कैन आस्क हिम डायरेक्टली, आई डोंट नो इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट ही वाज सेइंग। और भी क्वेश्चन और वी स्टॉप? ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, 12 जनवरी को विल कंटिन्यू। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु, आई पुट अ मैसेज, थैंक यू, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, इधर प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।